का समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को किया तलब। 24 फरवरी को सभी विधायकों को बुलाया गया लखनऊ। राज्यसभा चुनाव के लिए सभी को किया गया तलब। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी, किसी भी तरह से टूट से बचने के लिए सभी को बुलाया गया लखनऊ। सपा ने बीजेपी के सहयोगी दलों में सेंधमारी की बनाई रणनीति। राज्यसभा चुनाव के लिए सभी को लखनऊ किया गया तलब। लखनऊ में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए लखनऊ में तलब किया है। सभी विधायकों को लखनऊ तलब किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को लखनऊ तलब किया है, क्या कुछ रणनीति है? इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि सेंधमारी की भी तैयारी है। देखिए प्रियंका, अखिलेश यादव ने बगावत पर तो काबू पा लिया है, लेकिन तोड़ फोड़ की संभावना बनी हुई है समाजवादी पार्टी में, जिससे निपटने के लिए अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों को मतदान के 3 दिन पहले लखनऊ तलब कर लिया है। सभी विधायकों को एक ही जगह रखने का प्लान है। अखिलेश यादव की ये तैयारी है कि किसी भी स्थिति में उनके विधायकों में सेंधमारी ना हो। अलबत्ता अखिलेश यादव जो भाजपा सहयोगी दल है, जैसे ओम प्रकाश राजभर का दल और जयंत चौधरी का दल, इसमें सेंधमारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही राजा भैया को भी लाइनअप कर रहे हैं। उनकी वार्ता चल रही है राजा भैया के जनसत्ता दल से। अब देखना ये होगा कि आखिर सफलता किस स्तर पर मिलती है अखिलेश यादव को। जी, इसके अलावा जानकारी ये भी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के सहयोगी दलों से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। हाँ बेशक प्रियंका, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भाजपा के सहयोगी दल हैं, उन पर भी निगाह रखी जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी खबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अभी ओपी राजभर ने अपने विधायकों का परेड कराया है, योगी आदित्यनाथ से मिलाया है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मिलाया है अपने विधायकों को। तो भारतीय जनता पार्टी भी पूर्णतया सतर्क है, सजग है कि किसी भी दफा में जो उसके सहयोगी दल है उसमें सेंधमारी समाजवादी पार्टी ना कर पाए। जी, इसके अलावा राजा भैया को लेकर जो अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, क्या सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि किस तरफ उनका झुकाव देखा जा रहा है? देखिए, राजा भैया का जो अभी तक निकल के आ रहा है, उसमें स्थिति ये है कि राज्यसभा चुनाव में लोकसभा का पेच फंस गया है। राजा भैया चाहते हैं कि उनको जो भी दल उनका साथ ले उसको लोकसभा की सीटें दे। तो बार्गेनिंग चल रही है, नफा नुकसान देख करके ही राजा भैया निर्णय लेंगे। मजे खिलाड़ी हैं सियासत के राजा भैया। पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा का खुला समर्थन किया था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। राजा भैया तौल रहे हैं तराजू पर, कहां फायदा होगा कहां नुकसान। जनता जनसत्ता दल का जहां फायदा होगा, राजा भैया उस तरफ जा सकते हैं। जी बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।